हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई। तो इस डिज़ाइन को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाले वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इसको वर्धमान में, ओसवाल में, रैबिट में, गंगा में बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। और आप इसको बुनना चाहते हैं 3 प्लाई में तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपका बन के आएगा। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे 3 के मल्टीपल फंदे लेके और 2 फंदे प्लस किए हैं। जैसे पहले 3 गिनिएगा, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, लास्ट में हमारे 2 फंदे रहने चाहिए तो हमारा डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को हम स्टार्टिंग से भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको बॉर्डर के लिए अप्लाई करना है तो आप इसको स्टार्टिंग से बना सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर डिजाइन डालना चाहते हैं तो नीचे बॉर्डर बना के आप इसको ऊपर स्वेटर में डाल भी सकते हैं। तो इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन में, लेडीज जैकेट में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में, बेबी कैप में, टॉप में, कुर्ती में, शॉल में, किसी में भी डालिए। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है, राइट साइड है। तो ये फर्स्ट फंदा है, एच स्टिच है। इसको आप बनाइए या उतारिए, आपकी मर्जी है। ये एच स्टिच फंदा उतार लिया। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर धागे को आगे करेंगे और 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 का 1 उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग का एच स्टिच छोड़ के जो ये 2 फंदे हैं, एक फंदा सीधा, 2 का 1 उल्टा, ये इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो ये 1 रिपीट हुआ, ये 2 हुए। अब फिर तीसरा करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। जिसको उल्टी सीधी सिलाई बुननी आती है वो इस डिजाइन को आसानी से डाल लेंगे। ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये एच स्टिच है सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आएंगे, ये हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से बन के कम्प्लीट हुई। अब आएंगे हम सेकंड रो पे। तो ये एच स्टिच फंदा है, इस फंदे को हम ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। अब जो आगे के ये 2 फंदे हैं, इन 2 का 1 उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब धागा घुमाएंगे और फिर से इस फंदे को बना देंगे ऐसे। तो ये 2 फंदों से हमारे 3 फंदे बन गए। अब फिर ये 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे ऐसे उल्टा फंदा, फिर इस फंदे को, धागे को ऐसे घुमाएंगे और फिर से एक बार इसको बुन देंगे उल्टा फंदा। तो जो फंदा हमारा फर्स्ट रो में कम हुआ था वो यहाँ पे धागा घुमाने पर फंदा हमारा कवर हो गया। फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 बनाएंगे उल्टा फंदा, फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे उल्टा फंदा, फिर से धागा घुमाएंगे और एक बार इसको फिर बुनेंगे। तो ये 2 फंदों से हमारे 3 फंदे बन गए। तो इसको एक बार बुनेंगे, धागा घुमाएंगे, फिर से बुन देंगे, तो 2 फंदों से 3 फंदे बन गए। फिर से एच स्टिच को उल्टा बुनेंगे। तो ये सेकंड रो हमारी बन के कम्प्लीट हुई। आप ध्यान दीजिएगा,
इन्हीं दो सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है, तो मैं आपको इसको एक बार और बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको बुनने में परेशानी ना हो। तो ये एक फंदा एच स्टिच है सीधा बनाएंगे, फिर ये जो तीन फंदे हैं फर्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जो ये दो फंदे हैं ये दो नजर आएंगे आपको, इसको दो का एक बनाएंगे उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे करेंगे। ये तीन फंदे हैं अलग अलग, इसमें से फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये तीन फंदे हैं फर्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो का एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये तीन फंदे हैं इसमें से फर्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये दो फंदे हैं दो का एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से ये तीन फंदे हैं फर्स्ट फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से दो का एक बनाएंगे उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे करेंगे एच स्टिच फंदा सीधा। अब आएंगे बैक साइड में, यहाँ पर फिर से ऐसे ही करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, फिर ये दो फंदे लेंगे और दो का एक उल्टा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे और फिर से एक बार बुन लेंगे, फिर दो फंदे लेंगे दो का एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से एक बार उल्टा फंदा बुन लेंगे, फिर से ये दो फंदे लेंगे और दो का एक उल्टा फंदा बना देंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से एक बार उल्टा फंदा बुनेंगे, फिर से ये दो फंदे लेंगे और दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक उल्टा फंदा बनाएंगे। अब फिर ये दो फंदे लेंगे और दो का एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से दो का एक उल्टा बनाएंगे। ये एच स्टिच है, ये उल्टा बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो सिलाइयों का डिजाइन है और डिजाइन हमारा नज़र आने लगा है। जब आप इन दो दो सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो हमारा इस तरह से बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बन के आ जाएगा। आप इसको बॉर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, स्वेटर में बॉर्डर बनाइए, कार्डिगन में बनाइए, बच्चों के स्वेटर में बनाइए, आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है और बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ दो सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है। टू रोज पैटर्न है और बहुत ही ईजी डिजाइन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।